आया तो इतना अटेम्प्ट किया, सीधा विदा है ना। पार्सल का नोट पॉइंट क्या था? 24। उसका पहला हो गया ना नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, सेकंड लिखो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स लिख दो उधर। मतलब क्या लगता है तुमको, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स मतलब क्या? वेरी गुड, एक जैसे दो फैक्टर्स। ये देखो, ये देखो, एक जैसे दो आ गए, आया ना। इसको तुम लोग नॉर्मल पार्शियल से नहीं कर सकते। नॉर्मल पार्शियल में करते क्या अपन, ए अपॉन दिस और बी अपॉन दिस स्क्वायर, ऐसा नहीं चलता है। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में ना क्या करने का, केयरफुली देखना। पहले तो पार्शियल का मेन कंडीशन पता है ना क्या होता है, क्या न्यूमरेटर का पावर छोटा होना चाहिए। इसको ऐसा लिखने का, देखो ए अपॉन जो पहला है वो तो लिख लो, कौन, वेरी गुड, प्लस, मतलब बेसिकली इसको नहीं लिखने का, इसको लिखने का, बराबर ना, इसको ऐसा। और बी अपॉन क्या लिखने का, सी एक्स प्लस डी लिखने का खाली, और सी अपॉन में वापस क्या लिखने का, सी एक्स प्लस डी द होल स्क्वायर लिखने का, समझा, ऐसा करने का। एक को सिंगल टर्म देने का, एक को स्क्वायर देने का। अगर ये क्यूब होता ये, तो मैं क्या करता, और एक टर्म आता डी अपॉन सी एक्स प्लस डी द होल क्यूब, समझा क्या? पावर वन वाला भी टर्म लाने का और पावर टू वाला भी टर्म लाने का। इसका बताओ मेरे को क्या आएगा, बताओ। ए अपॉन, वेरी गुड, वेरी गुड, सी एक्स प्लस डी, डी अपॉन सी एक्स प्लस डी द, समझा क्या? आया ना। एग्जाम्पल इधर देखो, पहले तो बताओ ये पार्शियल का टाइप है क्या? ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, वन, नीचे हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री। एक स्क्वायर है और एक वन है तो मिलके थ्री हो जाएगा ना। अब ये पार्शियल का रिपीटेड वाला है कि नॉन रिपीटेड वाला है, नॉन रिपीटेड वाला है, स्क्वायर आ गया ना तो रिपीटेड वाला है। तो इसको कंसिडर करने का ना, किसको कंसिडर करने का जल्दी से बताओ। हाँ, फोर माइनस थ्री एक्स अपॉन क्या, इंटू क्या, एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए अपॉन थ्री एक्स प्लस वन, वेरी गुड। बी अपॉन क्या, टू माइनस एक्स प्लस, सी अपॉन क्या, ऐसे ही करते हम लोग, हाँ है ना। इसके बाद क्या किया था, एग्जैक्ट सेम इधर एलसीएम, एलसीएम के बाद तुमको पता है अपॉन वाला कट हो जाता है, ए के साथ कौन आएगा, एलसीएम में ये आना चाहिए ना। इसके पास ये है, मतलब इसको क्या चाहिए, होल स्क्वायर, बराबर ना। इसके साथ क्या चाहिए, बी के साथ, एलसीएम तू जो ले रही है ना वो एकदम रॉन्ग वे है, मेरे को पता चल रहा है तू क्या कर रही है। ठीक है, क्या आएगा, थ्री एक्स प्लस और एक टू माइनस एक्स भी तो आएगा, बराबर ना। और सी के साथ क्या आएगा, दैट्स इट, हाँ है ना। इन सब के अपॉन में जो आने वाले वो कैंसिल हो गए इसके साथ। ठीक है, अब एक एक करके एलिमिनेट करके एबीसी का वैल्यू निकालने का। सबसे पहले एक्स की जगह पे क्या डालोगे, टू, एक्स की जगह क्या डालोगे, चलो एक्स की जगह टू डालो। मेरे को बताओ ये क्या आएगा, थ्री टू सा फोर माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू माइनस टू जीरो इंटू ए, ये भी टू माइनस टू है, ये भी क्या बचा क्या खाली, सेवन सी। तो यहां से सी कितना आएगा, माइनस टू बाय, हाँ। अब एक्स की जगह पे क्या डालेंगे बताओ, वेरी गुड, माइनस वन बाय थ्री, ये जीरो करना है ना अभी, तो माइनस वन बाय थ्री इधर डालेगा तो क्या बचेगा, वन, सॉरी प्लस वन, अरे माइनस है ना तो क्या बचेगा, फाइव। माइनस वन बाय थ्री डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस वन प्लस वन, ये भी जीरो होएगा, खाली ये बचेगा। माइनस वन बाई थ्री मतलब प्लस वन बाई थ्री हो जाएगा, टू प्लस वन बाई थ्री सेवन बाई थ्री, सेवन बाई थ्री का स्क्वायर 49 बाई नाइन, ये नाइन को उधर लेके जाओ, 45,
अपॉन 49, ये किसका वैल्यू है, ए का। अब एक्स की जगह अभी तुमको ए आ गया और सी आ गया, अभी भी बी तो आया ही नहीं ना, अब क्या डालोगे? देखो जो दो टर्म्स डालने चाहिए थे ना वो हमने डाल दिए, अब कुछ बचता नहीं है ना, तो कैलकुलेशन इजी किस में होता है? वेरी गुड, एक्स की जगह जीरो डाल दो, एक्स की जगह जीरो डालो। सर इससे ना एलिमिनेट नहीं होगा, तो कोई और ऑप्शन भी नहीं, एलिमिनेट कभी होगा ही नहीं, समझ गया? डालो जीरो, मेरे को बताओ क्या आएगा? फोर, वेरी गुड। इधर जीरो डालेगा तो क्या आएगा? टू का स्क्वायर फोर, फोर ए, फोर ए। फिर इधर जीरो डाला तो वन, और इधर टू, वन इंटू टू, टू बी, और लास्ट में क्या, वन सी। तो खाली सी आएगा, फोर ऐसे रहेगा, फोर ए मतलब ये पता है ना अपने को क्या आएगा, 180 अपॉन 49। और बी पता है क्या? नहीं, बी ढूंढना है ना, और सी के जगह पे क्या आएगा? माइनस टू बाय, सारे टर्म्स को उधर लेके जाओ एक्सेप्ट टू बी, क्या आएगा बताओ? फोर प्लस टू बाय सेवन माइनस 180 अपॉन क्या, 49। एलसीएम बताओ, 49, वेरी गुड। 49 इंटू फोर कितना आएगा? 196, 54 जा 200, बराबर ना? इधर इंटू सेवन लगेगा तो प्लस 14 माइनस अपॉन 49, 196 माइनस 180, 16, 16, 16 प्लस 14 कितना, 30, और ये 2 है, 15 अपॉन क्या, 49 हो गया। ये बी का वैल्यू, अब बी का वैल्यू कैसे निकालते समझ गया? इसमें यही टेक्निक रहता है, समझा ना? चलो हो गया, इंटीग्रेशन पे आ जाओ। इंटीग्रेशन पे नहीं, पहले 1 अपॉन जो क्वेश्चन है वो ना, 4 माइनस 3x, सॉरी अपॉन क्या था, 3x प्लस 1 इंटू क्या, 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन में क्या था, ए ए ए कौन है, 45 अपॉन 49 अपॉन में कौन था, 3x प्लस 1। बी बी कौन है, 15 अपॉन 49 उसके अपॉन में कौन था, 2 माइनस एक्स। प्लस सी कौन है, माइनस 2 बाई 7 अपॉन 2 माइनस एक्स द। अब ये इंटीग्रेशन में आएगा, हाँ या ना? इंटीग्रेशन में ये था ना, इसकी जगह पे ये आएगा, बोलो क्या आएगा, 45 अपॉन अपॉन क्या, वेरी गुड, प्लस क्या, 49 अपॉन क्या, 2 माइनस एक्स, माइनस क्या, 2 बाई 7 अपॉन क्या, 2 माइनस एक्स द होल इंटू 45 अपॉन 49, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया 1 अपॉन 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, मॉड ऑफ 3x प्लस, वेरी गुड, प्लस 15 अपॉन 49 एज इट इज, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स, वेरी गुड। इसमें क्या लगेगा पता है क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है वो, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक क्यू, ये तो लीनियर ही है ना, वैसे भी करना है क्वाड्रेटिक ओपन करके कर ले, बट कुछ नहीं होगा, ये 1 अपॉन लीनियर ही है, तो 1 अपॉन लीनियर मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर माइनस टू ना, इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो माइनस टू बाई सेवन वैसे रहेगा, टू माइनस एक्स रेस टू क्या, माइनस वन अपॉन क्या, माइनस वन, और एक माइनस वन आएगा, ये और एक माइनस वन कौन सा है, कोएफिशिएंट हो गया, ये थ्री और ये कट कर देना, क्या बचा 15, ये इधर माइनस कर देना 15 अपॉन 49, ये नीचे जाके प्लस हो जाएगा, ये पावर, ये माइनस माइनस कट गया, तो माइनस टू बाई सेवन वैसे आएगा, वो खाली नीचे जाके पावर वन हो जाएगा। समझा कैसे करने का? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में हुआ क्या था, सारे के लॉग के फॉर्मूले बन गए थे, और रिपीटेड लीनियर फैक्टर में एक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, अगर ये क्यूब होता तो 1 अपॉन एक्स क्यूब का भी एक फॉर्मूला बनता, बट जो सिंगल टर्म रहेगा ना उसमें हमेशा लॉग का ही फॉर्मूला लगेगा, समझा? अब मैं सेकेंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, खाली मेरे को बताना तुम लोग स्टार्ट कैसे करोगे। ऊपर का हाईएस्ट पावर क्या है, नीचे का हाईएस्ट पावर क्या है, फोर, एक एक्स भी तो है, मेरे को बताओ स्प्लिट कैसे करोगे, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए अपॉन एक्स, वेरी गुड, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन एक्स प्लस फोर, डी अपॉन एक्स प्लस फोर, तो हो कर पाओगे? चलो काम पे लग जाओ, नोट पॉइंट में क्या लिखना है तुमको पता है, सम के पहले क्या लिखना है तुमको पता है, बैक टू वर्क, पॉज। मीथेनॉल फिर क्या ले लें, SOCl2, क्या मिलेगा CH3Cl, अब क्या ले लें NaCN, क्या मिलेगा CH3Cn, क्या करा दूं रिडक्शन,
कोई भी LiLH4 रहने निकल कुछ भी ले लो और क्या होगा बोलो क्या है समथिंग अपॉन समथिंग है ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है और क्या होगा नीचे हाईएस्ट पावर क्या है 3 ये फैक्टराइजेबल है क्या देखो जरा नाइट्रो हाँ या ना क्या फैक्टर्स है मेरे को बताओ x माइनस वन रिडक्शन 2-5 अपॉन रिडक्शन कराएंगे नाइट्रोमीथेन का LiLH4 या किसी के साथ SNHCl वन ऑफ द बेस्ट रीजन नहीं मेरे को नहीं लगता तो क्या मिलेगा मिथाइल अमाइन अब आगे क्या करना है अब उसका क्या करा रहे हैं 1 मोल मिथाइल आयोडाइड x अपॉन दिस इज इक्वल टू क्या क्या मिल जाएगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस नहीं समझा b अपॉन x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस हमने कुछ और किया है जिस हिसाब से तुम अपना नोट्स देख रहे हो मैं समझ रहा हूं क्या लिखा है सॉरी तीसरा टाइप हो गया ना अभी दो टाइप हो गया ना तीसरा टाइप निकालो नोट पॉइंट नंबर क्या था 24 का थर्ड टाइप वो भी कर सकते हैं रॉन्ग नहीं है रॉन्ग तो तब होगा जब प्रोसीजर तुम्हारा गलत वहां बोला क्या मिथाइल अमाइन से डाइमिथाइल अमाइन ना वो भी बराबर है मिथाइल अमाइन का हम क्या कर सकते हैं कार्बाइल अमाइन ये भी अच्छा टेक्निक ऑब्जर्व करो हर जगह पे x स्क्वायर कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्या मिलेगा आगे पे क्या है उसका रिडक्शन अभी भी ऊपर नीचे पावर तो उतना ही है ऊपर कम है नीचे ज्यादा हां है ना बट हर जगह पे क्या है न्यूमेरेटर में भी x स्क्वायर होना चाहिए है क्या तो दोनों याद रखो ऐसा नहीं अब जैसे आप लोग ने किया मैंने एक आंसर तो बता दिया राइट वो बाद में देखते हैं आपने जो लिखा है ये जरूरी नहीं कि वो रॉन्ग ही है ऐसा रहेगा इसलिए आप जो लिखे हो आपको डाउट आता है तो पूछ लेने का कि ये क्या करेक्ट है सब्स्टिट्यूट नहीं करने का उसको कट करके करेक्ट करने मत जाओ वो तो करेक्ट की जगह पे भी डाल लेगा x स्क्वायर की जगह भी क्या डाल लेगा समझा टी डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा और जितना ही अलग अलग रीजन आप यूज करोगे इतना ज्यादा अच्छा है प्लस डी इंटू क्या नेक्स्ट खाली वो सुटेबल रिएजेंट होना चाहिए वो ध्यान सब्स्टिट्यूट नहीं करने का सब्स्टिट्यूट किया तो डेरिवेटिव करना पड़ता है dx हटाना पड़ता है हां या ना प्रोपनोइक एसिड टू इसको हम लोग क्या लिखेंगे आपको बता क्या करना है a अपॉन प्रोपनोइक में तीन कार्बन है इथनोइक में दो कार्बन है pt प्लस एक कार्बन खाना है a और b निकालने का कैसे खा सकते जो भी रहेगा ना इंटीग्रेशन में वापस डालने से पहले t के जगह पे वापस क्या लिखने का फिर क्या करेंगे HNO2 क्या मिला अल्कोहल फिर क्या कर दें ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग KMnO4 चलो हो गया ये अपना वाला टाइप है कि नहीं है कोई और टेक्निक अप्लाई कर लिया मैंने बोला पहले कंसीडर करके अलग करो उसको Anyone? तो कंसीडर करते हैं किसी का और कुछ दिमाग लगा क्या कंसीडर करना है 3x² - 1 अपॉन क्या खत्म 2x² + 5 और क्या क्या है बोल 3x² - 10 इज इक्वल टू क्या लिखने का मैंने बोला a अपॉन क्या 2x² + b अपॉन क्या क्वेश्चन नंबर अभी क्या करने का मैंने बोला पुट x स्क्वायर की जगह पे माइनस इन वाटर वाटर के फेरिक ऑक्साइड में चला जाएगा माइनस मिथाइल अमाइड जो है प्लस बी इंटू क्या नाइट्रोजन का ए और बी निकालो बताओ टी के जगह पे पहले क्या डालोगे वाटर एक भी तेरी वेरी गुड 10/3 टी के जगह पे क्या डालेंगे 10/3 डाल दो इधर क्या आएगा ट्राई मिथाइल मतलब फाइनल आंसर 9 10-1 मिथाइल अमोनिया जो है 10/3 डाला तो ये 10-1 चला गया क्लोरीन 10/3 डालेंगे तो क्या आएगा 20/3 कॉम्प्लेक्स बना 20/3 + 5 कितना आएगा CH3N 35/3 बी इनटू क्या यहां दो हाइड्रोजन आता है ना NH2 अपॉन क्या तो B का वैल्यू कितना है ट्वाइस हो जाएगा 27 अपॉन क्या Fe के लिए थ्राइस हो जाएगा अब T के जगह पे क्या डालेंगे बताओ अब अगर मैं यहां पे ऐसे ले लूं CH3NH2 का राइट -5/2 इधर डालो -5/2 का तो -15/2 ये -15/2 -1 होगा वेरी गुड -17/2 -5/2 इधर डालो तो -15/2 -15/2 -10 N रीजन पूछा 2x²
प्लस फाइव इंटू क्या था 3x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आया था a ना a कौन आया तुमको 17 बाय अकाउंट 35 अपॉन क्या 2x स्क्वायर प्लस 5 और b कितना आया था माइनस ऑफ नहीं प्लस ही है क्या 27 अपॉन अपॉन में क्या 3x स्क्वायर माइनस 10 ए और b रिप्लेस कर दिया हां है ना करेगा ये यही करने का ये कब करने का पता है जब हर जगह पे क्या रहेगा मतलब x स्क्वायर किधर भी x रहेगा ना x x स्क्वायर की जगह पे तो सॉल्व नहीं होगा ये x स्क्वायर का तो ही करने का अब क्या सर अब क्या इंटीग्रेशन उठाओ इंटीग्रेशन के अंदर क्या था मेरे को बताओ ये था ना इसकी जगह पे वो लिख दो 17 35 और क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5 क्लोराइड प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड 27 35 क्या फेरिक ऑक्साइड था 3x स्क्वायर माइनस 10 होल इनटू क्या बनाएगा dx 17 अपॉन 35 कांस्टेंट बाहर ले लो बनाएगा क्या आएगा बताओ ये कौन सा टाइप हो गया जल्दी बताओ अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वापस वही है ना क्लोरीन को रिप्लेस माइनस ऐसा देना चाहिए कौन सा टाइप हो गया इस तरह से 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या फॉर्मूला था 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x बाय a 1 बाय a मतलब कौन 1 बाय रूट 5 tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा वाटर मीडियम में हाइड्रेटेड ऐसा कुछ दिया कुछ यहां पे इसका आंसर में दिया है वेरी गुड अपॉन रूट 2 रिएक्शन अपॉन रूट 2 कौन है बताइएगा ये भूलना पता ये मैक्सिमम चांस है तुम भूल जाओगे ये एक लुईस एसिड है ये लुईस बेस है ना 27 अपॉन 35 कौन सा टाइप क्या बनाएगा माइनस कोई तो प्लस बोल रहा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है रिएक्शन कुछ इसी तरह से होगा पर फिर भी होल कोएफिशिएंट ऑफ x से तो डिवाइड होगा ना रिएक्शन तो यही होना चाहिए पर देखेंगे दैट्स इट खाली मल्टीप्लाई करना डाइबोरिन में पढ़ा था याद है डाइबोरिन में अमोनिया वाला रिएक्शन बाकी तो सब ऐसे ही रहेगा लुईस एसिड लुईस बेस √30 कर दोगे समझ गए ऐसे करने का हां या ना अब ऐसे एक टाइप का सम तुमको दे दूं कॉम्प्लेक्स बनाएगा करोगे मिथाइल अमाइन और ये सब ये किधर नोट पर लिखने बताया ना सबको कॉम्प्लेक्स बनाता है और जहां पे सम करेंगे वहां पे वापस उसके पहले ये सम करने का है कलर कॉम्प्लेक्स भी देगा काम पे लग जाओ पॉज मत कर वीडियो रुक जा और क्वेश्चन एक लिख रहा हूं फेरिक ऑक्साइड इज हो जाता है तुम्हारा Fe3O2 हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर तो हाइड्रेटेड का मतलब वाटर मतलब वहां वाटर सराउंड ये वाटर मीडियम बोला है ना तो वहां वाटर सराउंड ये सम कर लेना ठीक है दो क्वेश्चन है इनफ इसके अब पॉज कर ले फिर भी एक रुक जा सब वो कैलकुलेट हो रहा है जो जितना हार्डवर्क करा है ना उसका वहां पे नोटिस तो होता ही रहता है आप जितना हार्डवर्क करोगे उतना आपको समझ में आएगा मार्क्स बढ़ने के चांसेस उतना ही होगा जितना आराम करोगे तो उतना दिमाग भी तो तुम्हारा कम ही ये देखो ऐसा क्वेश्चन आया एक्टिव रहेगा ऊपर जब दिमाग ही एक्टिव नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हो कि मार्क्स आएंगे ऐसा क्वेश्चन आया ना तो पहले तो देखने का ये फैक्टराइजेबल है आपको 250 और अच्छी बात यह है कि आपको टाइम मिल रहा है सफिशिएंट टाइम मिल रहा है समझ में आ रहा है मेरा बात तो नेक्स्ट वीक में दो चैप्टर हो जाएगा जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन प्लस आर ये टाइप मैं ट्राई ये करूंगा कि तीसरा भी लेक्चर में ही ले लूं नीट फॉलो का वो फैक्टराइजेबल नहीं होना चाहिए तो तीनों दिन अगर लेक्चर ले लिया तो एजीए भी खत्म हो जाएगा ए अपॉन पहला टर्म उसके बाद वाले वीक में दो दिन में एपी और एजी प्लस मेरा क्वाड्रेटिक है लेकिन आपका ये कौन सा क्वाड्रेटिक है पी स्क्वायर से हो जाएगा समझ में आ रहा है आपको इसके ऊपर क्या लिखने का पता है ये लिखने का क्या लिखने का बी एक्स प्लस सी क्या लिखने का कब जब क्वाड्रेटिक क्या होगा फैक्टराइजेबल नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल होगा तो टेंशन ही नहीं तो तीन टर्म आ जाएगा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर ऑर्गेनिक को थोड़ा होल्ड करेंगे दो टर्म सेम आ गया तो लीनियर फैक्टर होगा बट अगर फैक्टराइजेबल नहीं है फिजिकल और इनऑर्गेनिक क्योंकि इनऑर्गेनिक में मार्क्स आ रहे हैं एक्स प्लस सी सर उसके बाद सॉल्व कैसे करने का
इनऑर्गेनिक हम नहीं कर रहे अच्छे से, तो अभी फिजिकल और इनऑर्गेनिक। पहला एग्जाम पूरा फिजिकल होगा मॉक टेस्ट में, मॉक की बात कर रहा हूँ मैं, और दूसरे में पूरा मॉक में खाली इनऑर्गेनिक होगा। जो भी मॉक होंगे फैक्टर तो आएगा नहीं, तो पहला पूरा फिजिकल, दूसरा पूरा इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है। और रेगुलर चैप्टर में क्या होगा सॉल्व करने का, एकेसी हो चुका है नहीं, पहले तो बताओ पार्शियल में जाएगा, एसी का एग्जाम हो गया ना, जाएगा ना ऊपर का पावर अभी भी सेम नहीं है, कम है, सॉलिड स्टेट भी हो गया है, कंसीडर क्या कंसीडर, कोई चैप्टर नहीं है तो अमाइन लेंगे, और कोई चैप्टर बाकी है 4 माइनस एक्स इंटू क्या, तो ये कमिंग अमाइन है, समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट वाले में अमाइन रहेगा ए अपॉन, और बाकी फुल पोर्शन में आपके बाकी रहेंगे बी एक्स, ओल्ड वाला जो रहेगा, न्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ओल्ड वाले जो रहेंगे ना प्लस क्या, अब ओल्ड में जैसे पहला शायद ओल्ड है अपना, तो उसमें पूरा 11 फिजिकल रहेगा, पूरा 11 फिजिकल, नो इनऑर्गेनिक नो ऑर्गेनिक इक्वल टू ए के साथ कौन आ रहा है ये ध्यान में रखेंगे, माइनस पाई एक्स पूरा फिजिकल रखते हैं, और बी एक्स प्लस सी के साथ, अब ऐसे पूरा फिजिकल से क्या होगा आपका रिवाइज हो जाएगा ना, जो मार्क्स कम जा रहे हैं, अब सेम पैटर्न हम पूरा इनऑर्गेनिक करने वाले हैं, तो पूरा इनऑर्गेनिक जो आपके इनऑर्गेनिक में जो मार्क्स कट रहे हैं ये चले जाएगा, वो नहीं कटने चाहिए, फोर डालोगे तो इधर क्या आएगा, अब ये पैटर्न पे आपको मार्क्स आना चाहिए, पूरा फिजिकल 11 का है, कितनी बार एग्जाम हो चुके हर मॉक टेस्ट में आपका फिजिकल तो आ ही रहा है ना, 16 माइनस 20 तो हो जाना चाहिए, अभी ऑर्गेनिक में क्या हो रहा है कि करने वाले बच्चे जो है उनके मैक्सिमम क्वेश्चन राइट जा रहे हैं, जो रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं उनके मैक्सिमम ऑर्गेनिक में राइट जा रहे हैं, पर उनके अभी भी फिजिकल और इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये भी चले जाएगा, तो अब इन दोनों पे थोड़ा फोकस करना है, जीरो डाला तो इधर क्या, जो बाकी का है इधर क्या आएगा, जिनका ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम हो रहा है क्या करेंगे, तो चले जाएगा ये रिवीजन के बाद, सी उनके फिर से एग्जाम जब होंगे माइनस 9 हो जाएगा, नहीं समझ समझ में आ रहा है, और ये फोर्थ अब ये तब होगा प्लस 9 जब आप घर से पढ़ के आएंगे, और ये सभी को पढ़ के आना है, C3 हो जाएगा, ऐसा नहीं कि अपने को कुछ तो डाउट नहीं है, अभी और भी कुछ निकालना है, हम बादशाह बन के बैठे हुए कुछ नहीं, आज भी मैं कभी कभी ऐसे बुक उठा लेता हूँ, कोई नया बुक दिख गया तो नया पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट तो नया मिलेगा, वही एक पॉइंट से कभी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ दिया तो मे बी कोरिलेट हो जाए, कोई सिंपल मेथड मिल जाए, कोई इजी मेथड मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं, हमेशा पढ़ना चाहिए, बराबर है क्या? आपको बुक रीडिंग करना ही चाहिए, भले एज अ टीचर या स्टूडेंट, टीचर होने के बावजूद प्लस थ्री इंटू पढ़ना चाहिए, मैं टीचर हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं पढ़ना, प्लस 9 माइनस 5 मैं पढ़ता हूँ जैसे वैसे पढ़ लेता हूँ, माइनस 3 इज इक्वल टू 3b, और पढ़ना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जैसा मैंने बोला आपको, कोई इजी मेथड मिल गया, कोई ऐसा टॉपिक मिल गया जो इंटीग्रेशन में आ जाओ, भले हमारे सिलेबस में नहीं है पर हमें कनेक्ट कर रहा है समझने के लिए, ये सब के लिए इसका मतलब ये ना इसी मेथड से हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे ना, मैं मारूंगा फटके, एक ही जगह पे क्या डालने का, माइनस 1 क्या आएगा बताओ, एनसीईआरटी के और भी कोई अगर आपके प्रॉब्लम बचे हुए जो सॉल्व नहीं हुए तो बोल दो, बी कितना था एनसीईआरटी का, अभी ये जो चैप्टर का एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे, अपॉन बी अगर आपका कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो नहीं आया है तो आप पूछ लो, माइनस 5x प्लस, बाद में बोलोगे ये नहीं आया इसलिए नहीं किया, तो एटलीस्ट जो भी डाउट आ रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है अपने से नहीं होगा प्लस 3 आप पूछ सकते हो, हाँ ठीक है कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ये बराबर है, माइनस साइन बाहर एक बार देख, 1/4 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन देख लो क्या क्या ऑफ मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स अपॉन, कब बोलोगे ये कौन सा टाइप हो गया, बाद में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, लीनियर इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, इसको लेने का आई वन और इसको सेपरेटली सॉल्व करने का, अब आई वन कौन है मेरे को बताओ, माइनस एक्स अपॉन 3 सॉरी एक्स स्क्वायर पड़ेगा मोल कांस्टेंट सॉलिड स्टेट नहीं है, 9 डीएक्स मोल कांस्टेंट हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, प्लस 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक क्या है, क्या क्या पढ़ा गया है, प्लस क्या इतना ही बी, अब इधर क्या करते बताए ना सबको, रेडॉक्स टाइट्रेशन ब्रैकेट क्या आएगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन ओबीसी फिजिकल में आता है, प्लस यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2a, इधर x का कोएफिशिएंट -1 स्टार्ट होगा, 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, सरफेस b -1, इधर क्या आएगा -5a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया 3, a कितना आएगा माइनस, इनऑर्गेनिक में ज्यादा है, इधर डालेगा तो क्या होगा, इनऑर्गेनिक सुन लो, पीरियोडिक टेबल बॉन्डिंग हाइड्रोजन s ब्लॉक p ब्लॉक 5 चैप्टर हो रहे हैं, इनऑर्गेनिक का जब है अगर इधर कम है तो उधर ज्यादा रहेगा,
बी इज इक्वल टू वन बाई टू, इतना समझा गया? समझ में आ रहा है आपको? अब इंटीग्रेशन में क्या लिखने का, और फिर बाद में टोटल ऑर्गेनिक ले लूंगा, टोटल में मैं टोटल लूंगा, सॉरी आई वन ऐसा नहीं इलेवन प्लस ट्वेल्व प्लस सब साथ में, क्योंकि सारे ये लिखते हैं ना कनेक्ट होते हैं एक ही जगह पे, क्या माइनस हाफ। अब हाइड्रोकार्बन और जीओसी अगर कर लिया तो एच डी एपी बचा ही क्या, फटफट हो जाती है। वन बाई टू अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस क्या थर्टीन पॉइंट फोर इंटू क्या, अभी क्या करते थे याद दिलाओ मेरे को, वेरी गुड स्प्लिट करते थे बराबर ना, माइनस हाफ बाहर ले लू, टू एक्स माइनस फाइव अपॉन क्या एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस हाफ बाहर, देख जरा क्या दिया क्या, वन अपॉन थर्टीन पॉइंट नाइन का फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो जरा, थर्टीन पॉइंट नाइन फोर इंटू क्या डी एक्स बराबर है क्या, एसिड है अमोनिया है क्या मिलेगा, अब ये कौन सा टाइप है मुझे पता था आदित्य का बर्थडे, इसलिए देखो बार बार मैं एस बी डी ही यूज कर रहा था, ठीक है कर लेता आप वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन बात तो घर वाले भी विश नहीं किए, थर्ड टर्म बताओ वेरी गुड ट्वेंटी फाइव बाई फोर नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फोर आएगा तो बी क्या मिल जाएगा मिथाइल अमाइन, फिर NaNO2 क्या होगा मीथेन, अभी भी नहीं समझा इजी था या नहीं, थर्टीन पॉइंट नाइन का फिफ्थ वाला देखिए जरा, एसिटिक एसिड अमोनिया बाई हीटिंग क्या मिलेगा एसिटामाइड एक्स माइनस NaOBr क्या होगा होल स्क्वायर, हैप्पी बर्थडे डायज़ोटाइजेशन क्या मिल जाएगा अल्कोहल, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या फॉर्मूला राइट, वेरी गुड वन अपॉन ए मतलब क्या वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन रूट इलेवन बाई टू हो जाएगा क्या, सॉल्व ही नहीं किया फिर क्या ये टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए मतलब क्या एक्स माइनस फाइव बाई टू अपॉन रूट इलेवन बाई टू, समझा एलसीएम वगैरह ले लो, आई वन इज इक्वल टू क्या माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस अपॉन टू, ये टू टू चला गया प्लस वन अपॉन रूट इलेवन अंदर एलसीएम होगा क्या आएगा 2x minus 5 upon क्या? क्या लिखा हुआ है? Possible. यार इवन उठा के किधर डालना है? Possible explanation को. लगा लगा प्लेट लगा. जल्दी. अरे नहीं नहीं इतना और जो जरा दो तीन लोग और लगाओ. ठीक है किधर था अपन? इधर थे ना? क्या इवन उठा के किधर डालना है समझ गया? जो लोग बद्दुआ दे रहे हैं ना बैठ बैठ के. करना बाकी ये कर लोगे तुम लोग? सब क्या आएगा? आ रहे हैं. log of दूसरे नीचे बैठा के फ्लैप भी करने वाला हूं मैं, कंप्लीट कर लोगे काम पे लग जाओ चलो फटाफट, why are amine less acidic than alcohol comparable molecular masses, कुछ नहीं होगा उससे हाँ हाँ, ए इधर देखो सब गधे, फिफ्थ में अभी करो सिक्स तुम अभी, ऊपर पावर क्या है नीचे पावर क्या है, ये तो सेम पावर एक्चुअल डिवीजन होना चाहिए, नहीं समझा फोर एस टू थ्री डी, सुनो मेरा बात एक्चुअल डिवीजन कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर फोर एस जीरो थ्री डी प्लस एक्स, तुमने ये आंसर किया इधर क्या आएगा पता है ना, एक्स स्क्वायर आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्लस एक्स माइनस एक्स क्या मल्टीप्लाई होगा सेम कहाँ हुआ वन, कैसे डिसाइड होता पता है ना, फोर एस टू थ्री डी एट होता है, अरे यार इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर बोला या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या याद है तुमको डिविडेंड एस से जाता है वो 3d 10 फिल फुलफिल रहता है, इधर क्या होता है 4s 2 3d 8 होता है, अगर मैं हिला तुमको इतना मारूंगा ना सबको, b इज द करेक्ट आंसर, नाटक ऐसा कर रहे हैं 4s 2 मैग्नीज का क्या होता है मैग्नीज प्लस 2 में क्या होता है डिविडेंड अपॉन क्या डिवाइजर इनटू क्या, ये भी नहीं हो रहा, हाँ ये भी तो रॉन्ग ही है ना, प्लस रिमाइंडर ये अपॉन ये बताओ इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में क्या है डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू क्या, क्वेश्चन वन प्लस रिमाइंडर अपॉन क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करें एलसीएम मत ले लेना, बट जेरेन प्लस टू का सीन नहीं मानते जो वापस वही करते बोलती वही आ गया सर आता है उस समझा जिसको बोल रहा हूं समझ गई होगी, 2 3d 8 आता है वन का इंटीग्रेशन एटॉमिक नंबर सेम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम, इतना टाइम सेलेनियम प्लस ऊपर फाइव फैक्टर्स क्रिप्टॉन ये बराबर हो सकता ऑक्सीजन सेलेनियम ये बराबर है ए देना चाहिए
ए इज द करेक्ट आंसर, ये लीनियर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब आगे कर लोगे, अब आगे इधर ए बराबर मार्शल कर लेना, सल्फर से लेके तुम लोग करोगे माइनस टू में, और वो कौन सा था, वो नोबल गैसेस जैसा शो कर लेगा। अभी करोगे समझ गया, ये नेक्स्ट पढ़ो चलो। सेवेंथ कौन सा टाइप है बताओ, 3d8 हो रहा है ना निकल, कैसे डिसाइड करते हो नॉन रिपीटेड। 4x पर माइनस 1 दिख रहा है, निकल का एक्सेप्शन नहीं है, 2x प्लस 1 निकल 4 है 0, 2x माइनस 1 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। समझा क्या बोला मैंने, a प्लस b a माइनस b दिया है मैंने, समझा। होमवर्क नेक्स्ट कौन सा है, समझा 8 नहीं आएगा तुमको, 8 मैं बता दूं, मेरे को कल याद दिलाओ ना, 8 लिख के रखो किधर, 1 इज द करेक्ट आंसर। अभी होगा नहीं वो शायद, नहीं नहीं मैंने इसको उल्टा करके अलग दे दिया, नहीं ऐसा नहीं है, अलग टाइप है। 9 देखो, 9 प्लस 3 क्या होगा, पहले टाइप प्लस 2 से हो जाता, कौन सा टाइप है जल्दी बताओ, प्लस 3 और क्रोमियम प्लस 2 रहता ना, रुको रुको रुको, नीचे क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्या है मेरे को बताओ, एक्स रे 68 है ना, हाँ 68 का, हाँ नहीं अभी मत कर, पहले ये बाई क्वाड्रेटिक है ना, इसके दो फैक्टर बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये नीचे है ऊपर क्या है, ये कौन सा टाइप है, थर्ड वाला, पुट x square equal to t वाला, सब जगह पे x square है देखो, होमवर्क। नेक्स्ट कौन सा, टेंथ कौन सा टाइप है, वही वाला है, x square को t put करने का, t put करने का इंटीग्रेशन के पहले वापस तुमको t को रिप्लेस करना है, पता है ना, ये लिखी। नेक्स्ट कौन सा है, 11, क्या वही है चुबेट, ऊपर x square नहीं है, ये क्वेश्चन क्या है बताएगा, x square को t डालो, put नहीं सब्स्टिट्यूट, x square का डेरिवेटिव क्या है, 2x ऊपर है देखो, फिर बाद में क्या बचेगा, 1 अपॉन नॉन रिपीटेड वाला बन जाएगा, नीचे आएगा t plus 3, सॉरी 2 plus t और 3 plus t आ जाएगा नीचे, कर लोगे आगे, x square को t डाल के फिर बाद में उसका डेरिवेटिव करके 2x अवेलेबल है, फिर सॉल्व करना होमवर्क। 12th क्या करोगे, 2 raise to x को t डालोगे, 2 raise to x को अगर मैंने t डाला, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, आंसर क्या दिया, 2 raise to x log 2 dx is equal to क्या, जी सर न्यूमेरेटर में 2 raise to x और dx है, उसकी जगह पे क्या आएगा, dt upon log 2, समझा, और नीचे क्या आएगा बताओ, वो 2 raise to x the whole square हो जाएगा, मतलब वो t square हो गया, माइनस क्या, 5 लेने 3t माइनस क्या, 4, ये क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टर्स आएगा, मतलब दो ब्रैकेट आएंगे, कर लोगे होमवर्क। नेक्स्ट ये क्या किया, कौन सा है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, दिखा क्या स्क्वायर है देखो एक, हाँ होमवर्क। 14 में तुमको पता रहेगा पहले क्या करना है, डिवीजन, ऊपर नीचे पावर सेम है तो पहले होगा डिवीजन, जैसा ये किया था, समझा, होमवर्क। 15 हो गया ना अभी, नहीं आएगा, नहीं आएगा, 15 मत करना, मैं बता दो टेक्निक, छोड़ दो, कल याद दिलाओ मेरे को, ठीक है। 16 क्या है नीचे, 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 ना, ऐसा करना, एसी वन किया जाए, ए वन क्यूब हो गया, आपको लेके आ जाएगा, वन कर दूंगा, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये लीनियर, ये नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक, 15 मिनट हो गए, ए अपॉन एक्स माइनस वन, उसके बाद एसी वन कर दो, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, समझा क्या, होमवर्क। तुम बहुत छोटा दिख रहा है, उतना छोटा है नहीं वो, कौन सा ये, 17 पहला स्टेप, वेरी गुड, साइन एक्स को टी डालना है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ऊपर अवेलेबल है क्या कॉस एक्स, पर उसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है, नीचे कॉस स्क्वायर है देखो, उसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, समझ गया, वेरी गुड होमवर्क। 18 नहीं आएगा तुम गधों को, छोड़ दो मेरे को, कल 18 19 20 मेरे को कल याद दिला दो, मैं करा दूंगा, ठीक है, और 21 भी, वो भी कल याद दिला दो। 22 पहला स्टेप, वेरी गुड, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, होमवर्क। 23 log x को t, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, है देखो 1 upon x, नहीं दिख रहा होगा शायद तुमको, दिखा कि नहीं, किधर है, किसकी रिगार्डिंग, रॉन्ग बताया, किधर है उसका डेरिवेटिव, किधर है, आ रहे बोलो, उसका डेरिवेटिव किधर है log x का, नहीं हम समझा दे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, अवेलेबल है क्या, ए भाई किधर किधर दिखा, वो तो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में चाहिए रहता ना डेरिवेटिव, वो फिर भी यूज करते एज अ कैटलिस्ट, होमवर्क। NaNO2 बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस, अब मेरे को खाली एक बात बताओ, 3.3 में क्या बाकी है, 3.3 में एक काम करते हैं, जो जो पेंडिंग है सब कर लेते हैं, अब ये कॉपी कर लो, कौन सा कॉपी करना है, समझ गया, ये वाला कॉपी करके कंप्लीट करना है, ये वाला कंप्लीट करना है, लिख नहीं रहे,
इसका मैं एक टेक्निक बताऊं और एक जस्ट बिकॉज मैं टेक्निक क्यों कर पा रहा हूं मैं तुमको बताता हूं, दोनों x के कोएफिशिएंट्स क्या है, बराबर है ना। देखो इससे ना तुम्हारा सम इजी हो जाएगा, आई वन लेने का जरूरत नहीं है। वेरी गुड, आपको भर देता हूं, ऊपर ओपन करो, फाइव आ गया। अब ये ही दो क्यों लेने का, क्योंकि ये दो नीचे नहीं आता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा टाइप का आता ही है ना। ये क्या होता है, खाली सम इजी हो जाता है इससे, अब इस प्लेस करके डायरेक्ट काम हो जाएगा। ये इसीलिए कर पा रहा हूं, x के कोएफिशिएंट 1 है, वरना कभी नहीं कर पाऊंगा, समझा। सम मारूंगा ना अभी, क्या अभी स्प्लिट करके डायरेक्ट कर लेना। अरे मैंने खुद कार्बन मोनोऑक्साइड में बताया हुआ है, NiCO4 बनता है, वोलेटाइल होता है, हीट करते हैं, तो ये खाली दो टाइप बचा है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पढ़ा है क्या तुमको, F' और टिपिकल प्रॉब्लम्स। CO2 पढ़ा है मैंने, कार्बन ग्रुप 14 ना, कार्बन फैमिली पढ़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा है, पक्का बॉन्ड प्रोसेस पढ़ाया रहेगा फिर। अरे निकल कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल मेटल, ऐसा कुछ बात किया था मैंने, ये नहीं कहता, रिज्यूम नहीं कहता, प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल मेटल ऐसा कुछ यूज किया था। अभी क्या कर रहे थे, वही है मॉन्ड प्रोसेस, पॉज स्टॉप कर दे। हाँ